आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी थ्री वेरिएबल बुलियन फंक्शन को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। आज हम फोर वेरिएबल बुलियन फंक्शन को कंसिडर करेंगे। तो उसके पहले हम एक रूल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स है एन, तो एन माइनस वन क्या होती है, सिलेक्शन लाइन्स होती है, और 2^n-1:1 होता है हमारा मल्टीप्लेक्सर। फॉर एग्जाम्पल हमारे वेरिएबल्स थे 3, तो 3-1 मतलब कि 2 क्या थी, सिलेक्शन लाइंस थी, और 2^2 मतलब 4:1 था हमारा मल्टीप्लेक्सर। आज हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4-1 मतलब कि 3 क्या हो जाएंगी, सिलेक्शन लाइंस, और 2^3:1 मीन्स 8:1 होगा हमारा मल्टीप्लेक्सर। तो ये रूल हमें ध्यान रखना है। तो हमारी इस केस में कितनी सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी, 4 वेरिएबल्स हैं मतलब 3 क्या होंगी हमारी, सिलेक्शन लाइंस होंगी, और हमें यूज कौन सा करना है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये यहां पर हम बनाते हैं ये मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम। 8:1 हमें लेना है मल्टीप्लेक्सर, तो इसमें इनपुट्स कितने होंगे, 8, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां से क्या जाएंगे, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 and I7, और एक क्या आएगा हमारा, आउटपुट आएगा, इसको हमने ले लिया F। हम पहले क्या करते हैं, हमें 4 वेरिएबल्स का ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हमने ये ट्रुथ टेबल बना ली। 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है, हमने क्या करी है, ट्रुथ टेबल बना ली। 4 वेरिएबल्स के टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2^4 मतलब 16, तो ये हमने क्या बना ली है, टेबल। ABCD की ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ये इनका डेसिमल वैल्यू है, और हमें आउटपुट कहाँ कहाँ पर 1 मिल रहा है, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर। तो 0 पर हमें 1 मिला, फिर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, देन 9 पर, फिर 13 पर, 14 पर और 15 पर हमें 1 मिला। तो पहले तो हमने क्या की है, ट्रुथ टेबल बना ली। अब हमें करना क्या है, अभी हमने देखा था कि हमें टोटल कितनी सिलेक्शन लाइंस लेनी है, 3 सिलेक्शन लाइंस लेनी है। तो 3 सिलेक्शन लाइंस अब हम कोई सी भी चूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था कि जो पहली 2 लाइन्स थी उनको सिलेक्शन लाइन्स की तरह चूज किया था। अब आज मैं क्या करूंगी, इन तीनों को एज सिलेक्शन लाइन्स चूज करूंगी, BCD को, और ये जो A बचा है वो क्या करेगा, इनपुट का काम, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, सिलेक्शन लाइंस में। तो यहां से बी, यहां से सी, और ये यहां से क्या जाएगा, डी जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने BCD, और ए इनपुट के तौर पर जाएगा, वो कैसे कनेक्ट होगा वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये सिलेक्शन लाइंस की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कैसे हो सकती हैं, तो उसके लिए हम ये एक और टेबल बनाते हैं, BCD। ये 3 सिलेक्शन लाइंस हैं, इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0001, 0101, 0101, 1001, 1001, 1101, 1101, ये पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो उस केस में हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जब ये तीनों 0 हैं तो हमें I0 मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब ये तीनों 0 होंगे तो आउटपुट में I0 की जो भी वैल्यू है वो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7 यहां से मिलेगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमें देखना ये A एज इनपुट कैसे जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल इनपुट्स कितने हैं, I0 से लेकर I7 तक हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, ये यहां पर नीचे लिख देते हैं। तो ये I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 and I7 ये हमने यहाँ पे लिख दिए इनपुट्स। अब हम क्या करते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे यहां पर। तो ये A कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया यहां पर और A लिख दिया हमने यहां पर। अब हम क्या करें, हमें ये जो अभी हमने बनाया था इसमें हमें देखना है कि A की वैल्यू 0 हमें कहाँ कहाँ पर मिल रही है। तो A की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर है, 0 पर, 1 पर, ऐसी तरह से 0 से लेकर 7 तक हमें A की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। अब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू होती है 0 तो उसको कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया जाता है, और जब भी किसी की वैल्यू होती है 1 तो उसको सिंपली विदाउट कॉम्प्लीमेंट डिनोट किया जाता है। अब जहां पर A की वैल्यू 0 है उसको हम
कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन में लिखेंगे। तो ए की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पर है, जीरो से लेकर सेवन तक। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हम कहाँ लिख देंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन में लिख देंगे। उसके अलावा जहां जहां पर ए की वैल्यू वन है, अब ए की वैल्यू वन कहाँ कहाँ पर है, एट से लेकर फिफ्टीन तक, तो उनको हम ए की लाइन में लिख देंगे। तो हम कहाँ पर लिख देंगे, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, इनको हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब हमें देखना है ये फंक्शन, इस फंक्शन में हमें ये हाई आउटपुट एफ हाई कहाँ पर मिल रहा है, मतलब एफ की वैल्यू वन हमें कहाँ कहाँ पर मिल रही है, जीरो वन टू थ्री, पहले हम देखते हैं जीरो। तो हम क्या करेंगे, जीरो को कर देंगे सर्कल, देन हमें कहाँ मिल रही है, वन पर, तो वन को भी किया सर्कल, देन टू, देन थ्री, देन फोर, अब नाइन थर्टीन, तो नाइन कहाँ है, यहाँ पर, फिर आ रहा है थर्टीन, फिर क्या आ रहा है, फोर्टीन और फिफ्टीन, तो ये फोर्टीन और ये फिफ्टीन, इनको भी हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब एक रूल को हमें ध्यान रखना है, जैसे हमारा कहाँ पे है, ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट है, नीचे ए है। अब अगर हमें ऊपर वाली ओनली दो में सर्कल मिल रहा है, ओनली ऊपर वाली में सर्कल मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अगर हमें ओनली नीचे वाले में सर्कल मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है, ए है। अगर हमें दोनों में ही सर्कल मिल रहा है, दोनों ही दोस में, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। और अगर हमें दोनों में से किसी में भी सर्कल नहीं मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जीरो। तो इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमें सर्कल कहाँ मिल रहा है, ऊपर, मतलब जहाँ एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि आई जीरो में क्या जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर आई वन पे हमें कहाँ पे मिल रहा है, दोनों में सर्कल मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। ओनली यहाँ पर ऊपर सर्कल मिल रहा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी ए का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हमें नीचे सर्कल मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो ये क्या आ गए, हमारे इनपुट्स आ गए। तो आई जीरो में हमें ए का कॉम्प्लीमेंट भेजना है, इसी तरह से आई वन में वन। तो अब हम क्या करें, यहां से एक ले लेते हैं वेरिएबल ए और यहां से हम सेंड कर देंगे ए के कॉम्प्लीमेंट की लाइन। तो पहले ये ए की ये जो लाइन है ये यहां से आ जाएगी, और ए के कॉम्प्लीमेंट की लाइन के लिए हम क्या करें, ये यहां पर लगा दें एक इन्वर्टर, और इस लाइन को हम ये यहां से भेज दें। अब हमें क्या करना है, ये ए की लाइन और ये ए के कॉम्प्लीमेंट की लाइन आ गई। अब हमें ए के कॉम्प्लीमेंट को किस किस से कनेक्ट करना है, एक तो आई जीरो से, तो ये इसको हमने क्या किया, आई जीरो से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसको हमें किससे कनेक्ट करना है, आई टू से, तो आई टू से ए के कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर दिया। फिर हमें किसको कनेक्ट करना है, आई थ्री से, तो ये आई थ्री से कनेक्ट कर दिया। फिर आई फोर से, तो ये आई फोर से कनेक्ट कर दिया। यहां तक हो गया। इसके बाद में हमें आई वन से किसको कनेक्ट करना है, वन से, तो हमें एक वन इनपुट यहां से लेना है और उसको किससे कनेक्ट कर देना है, ये यहां से कनेक्ट कर देना है, मतलब ये हाई को हमें यहां से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद में अब ये जो बचे हुए इनपुट्स हैं आई फाइव आई सिक्स और आई सेवन, वहां पर क्या लेना है, हमें ए लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ए को कनेक्ट कर देंगे, यहां से भी और यहां से भी। तो इसका मतलब क्या है, ये सिलेक्शन लाइन्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा इनपुट जाएगा। तो अब अगर सिलेक्शन लाइन्स की वैल्यू क्या है, मान लिया जीरो वन वन है, जीरो वन वन मतलब आई थ्री चूज होगा, यहां से जीरो है या वन है, ये वन है, तो क्या चूज होगा, आई थ्री चूज होगा। आई थ्री चूज होगा इसका मतलब कि क्या जाएगा, आई थ्री में क्या जा रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट यहां से एफ में जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फोर वेरिएबल्स को हमने मल्टीप्लेक्सर में इंप्लीमेंट किया।